अस्सलाम वालेकुम यूवर फ्रॉम बाकू अज़रबैजान। मेरे पीछे है इस्तांबुल गोल्ड होटल। आज मेरा सेकंड लास्ट दिन है इधर और मैं जा रहा हूँ एक ट्रिप पे। एक कंपनी से मैंने ट्रिप बुक किया था जो कि फॉरनर्स को लेके जाते हैं साथ के सिटीज़ में। तो ये ट्रिप है आज के दिन का सुबह से शाम तक का, गबाला और शमाखी सिटी का। गबाला और शमाखी सिटी में ये हमें कुछ तारीखी इमारतें दिखाएंगे, कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं और कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, मस्जिदें हैं, चेयर लिफ्ट है और कुछ वहाँ के लोगों का रहन सहन, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो इनके साथ मैं जा रहा हूँ, आगे आपको दिखाते हैं। बड़ा मज़ेदार होगा ये ट्रिप। इनका टूर गाइड साथ है अपनी, इनकी गाड़ी है और अच्छी, बहुत अच्छी सर्विस है। You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. बाकू से बाहर आके हमारा फर्स्ट स्टॉप है गबाला सिटी में, जुमा मॉस्क। वो मेरे सामने देखें, जुमा मस्जिद है। अगर आप मुझे मेरे अपने रशिया में दागिस्तान वाले ट्रिप को देखा था, वहाँ भी एक जुमा मॉस्क थी दरबिन सिटी जब मैं गया था, तो वो मॉस्क और ये मॉस्क ये सेम एक ही टाइम में बनी है और 734 में हिजरी में, जब यहाँ अरेबियन जो लोग हैं वो, ये कोकाज़ एरिया है, कोकाफ एरिया, इससे आगे ये इलाका सीधा दागिस्तान चचनिया की तरफ जाता है। तो इस कोकाज़ एरिया में जब अरब लोगों की हुकूमत थी तो उस वक्त में ये मस्जिदें बनी थी। तो ये तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र है उससे, बाकू से गबाला सिटी का। यहाँ की कुछ ग्रीनरी नज़र आई है, पीछे तो सारा वीराना था। हम तकरीबन 11 टूरिस्ट हैं, 4 रशियन हैं, 3 अरब हैं, मैं हूँ, एक लटवियन है, ऐसे मिक्स हैं, एक पाकिस्तानी चाचा है इधर दुबई से आया हुआ, साथ उसके फिलिपिनो है। यहाँ जो लेडीज़ हैं उनको स्कॉफ वगैरह दिए जाते हैं कवर करने के लिए। वो आगे आगे हमारी टूर गाइड है लैला, आज़रबैजानी है, और ये सारा हमारा ग्रुप है पीछे। अंदर जा रहे हैं मॉस्क के, हिस्ट्री वगैरह आप, वैसे टूरिस्ट जो गाइड है उसने हमें सारी बता दी थी। बाकी जुमा मॉस्क सिटी गबूला आप खुद सर्च कीजिएगा, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। मस्जिद के इंटर होते हैं ना, तो ऐसी अंदर से दिखती है ये, क्योंकि शिया मसलिक है यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा क्या सारा ही, तो इसलिए ये इरानियन पर्शियन स्टाइल में बनी हुई मस्जिद है। ये बनी तो 734 में थी, लेकिन टाइम बाय टाइम इसकी रेनोवेशन होती रही है, इसको दोबारा कंस्ट्रक्ट किया गया है। सोवियत टाइम में तो आपको पता है, जब सोवियत दौर था तो सारी मस्जिदें बड़ा जो बंद कर दी थी, उस वक्त इसको भी तकरीबन ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन इसको फिर दोबारा रीबिल्ड किया गया है। ये जो हमारा सेकंड स्टॉप यहाँ के रुके हैं, ये इलाका एक्चुअली हनी के लिए बड़ा मशहूर है। यहाँ डिफरेंट टाइप का हनी प्रोड्यूस होता है, लोगों के फार्म्स हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा अंगूर की काश्त होती है और उसके बाद हनी फार्म है। तो यहाँ टूरिस्ट काफ़ी आए हुए हैं, वो कोई इंडिया से फिर रहे हैं, सिख हैं। अच्छा, अब हमें हनी शॉप पे लेके आए हैं, हमें यहाँ हनी टेस्ट करवाना है इन्होंने। हनी वो हमारे टूर पैकेज में है, ऐड है, जस्ट टेस्ट करना है, अगर ख़रीदना है तो उसके पैसे देने होंगे। तो ये यहाँ एक प्यारी सी हनी शॉप है, हनी शॉप पे जाएंगे और सब टेस्ट करेंगे हनी। वाह, यहाँ देखें ये बड़ी शॉप और काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं और पाकिस्तान का फ्लैग भी लगा हुआ है इधर। चलें, ये यहाँ की स्वीट्स हैं, मैनी मैनी, और इसके अलावा आगे ये डिफरेंट किस्म के। अच्छा, यहाँ पे ना जो ज़ाफ़रान वाला शायद है ना,
वो बहुत होता है, तो उसका कलर भी वो ज़ाफ़रान जैसा होता है, तो वो यहाँ का बड़ा मशहूर है। डिफरेंट फ्लावर्स हैं यहाँ पे, देखें इंडियन टूरिस्ट काफ़ी आए हुए हैं और यहाँ हम जस्ट टेस्ट करेंगे सब शहद को ना, डिफरेंट किस्म का। ओके ये है ज़ाफ़रान हनी। ओके देखें इसका कलर भी ऐसा ही है, टेस्ट करते हैं, बहुत मज़ेदार है। ये कोई दूसरा है, इधर ज़ाफ़रान भी पड़े हैं इनके पास में, और सारे जो सिख हैं वो ज़ाफ़रान की तरफ हुए पड़े हैं। सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं यहाँ पे ना, और मैंने चीज़ें तो कोई नहीं ली क्योंकि इतनी स्पेस भी नहीं होती मेरे पास कि मैं कलेक्ट करूँ, लेकिन जो चीज़ मैंने लेनी होती है वो मैंने ले लिया। मैग्नेट गबाला सिटी का जाके फ्रिज पे लगाऊंगा, ये ले लिया मैंने। बाकी चीज़ें अच्छी हैं, लेने वाली हैं सारी सारी ऑर्गेनिक फ्लावर्स से हैं, और मिठाइयाँ पता नहीं ऑर्गेनिक हैं या नहीं, लेकिन मेरी पसंद की तो कोई नहीं है। ये हमारा आज का थर्ड स्टॉप है, बिटवीन द माउंटेंस, बहुत प्यारी जगह है। ये एक छोटा सा स्टॉप है, यहाँ लोग चीज़ें वगैरह बेच रहे हैं और अपनी दस्तकारी चाय वगैरह है सब कुछ वो है। ओ बड़ी यार इसकी खुशबू है, इनकी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। और सबसे जो बेहतरीन चीज़ जो हमें दिखाने के लिए, सस्पेंशन ब्रिज है यहाँ पे ना, वो एक गिलगत बल्तिस्तान साइड पे पाकिस्तान में भी है जो लटका हुआ पुल, तो उन्होंने कहा था कि आपकी मर्जी है जाना है तो इस पे चले जाएं, जिसका दिल करता है जाएंगे भाई। वो कह रहे थे जिसको डर नहीं लगता वो चले जाएं, मैं तो जाऊंगा। कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग बस एक बार उतर के वापस हो गए हैं, कुछ लोगों को डर लग रहा है, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ। मौज ना, तो ये बहुत कांप रहा है वैसे ना, तो डर तो लगता है इस पे क्योंकि नीचे ना पानी है बहुत, इतना पानी थोड़ा है लेकिन नज़ारा बड़ा प्यारा है, उसकी आवाज़ बहुत है पानी की ना, उसकी वजह से थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन कोई नहीं नॉर्मल है, बस आप ज़्यादा नीचे ना देखें चलते जाएं। ये सस्पेंशन ब्रिज की दूसरी साइड है, यहाँ पे छोटा सा ढाबा है, समावर लगी हुई है, चाय बन रही है, इधर चाय वगैरह पड़ी है, और इधर ऊपर है पाकिस्तानी चाचा अपनी फिलिपिनो को लेके फिर रहा है, और यहाँ आप ऊपर तक आ सकते हैं, और यहाँ से नीचे का नजारा। हमारे ग्रुप से थोड़े लोग आगे गए हैं, बाकी इधर ही रुके रहे हैं, मैं वापस आ गया। मज़ा आता है ऊपर से चलने का, जब वो हवा चल रही है और ज़्यादा लोग होते हैं तो वो झूलता है। ये पहाड़ों की लाइफ है। अब इससे आगे जाना है हमने कहीं, वहाँ हमारा लंच होगा, उसके बाद फिर और आगे कहीं। अच्छा ट्रिप है ये वैसे मेरा ना आज़रबैजान का, सबसे ये जो आज वाला दिन है ना ये सबसे अच्छा ट्रिप है। ये हमारी फोर्थ डेस्टिनेशन है आज के टूर की, और यहाँ हमने खाना खाना है, सारे यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, इस होटल पे हमारा खाना है। यहाँ काफ़ी सारे होटल हैं, और आप उस साइड पे देखेंगे काफ़ी सारे आए खड़े हैं लोग, सारे ट्रिप यहाँ आके रुकते हैं, मोस्टली दोपहर का खाना यहाँ खाया जाता है। खाना खाएंगे उसके बाद आगे कहीं जाना है, आगे कोई चेयर लिफ्ट है, केबल कार जिसे कहते हैं, आगे वो है, उसके आगे डिफरेंट चीज़ें हैं। इस जगह पे बैठ के हमने खाना खाया है, और ये जो बिल्डिंग है ना इसके पीछे एक आज़रबैजानी शादी चल रही है, शादी का फंक्शन, तो हम उस तरह जा रहे हैं। बाकी अभी खा रहे थे तो उस वक्त अभी ना म्यूज़िक थोड़ा रुका है, बहुत लाउड म्यूज़िक था, चलें देखते हैं शादी कैसी होती है इनकी। ये आई थिंक शादी वाली ही कार खड़ी है इधर, आके जाके ना देखते हैं। Oh,
शादी आपने एंजॉय की होगी। हम नेक्स्ट स्टॉप पे आ गए हैं, बड़ा ही प्यारा जहाँ नज़ारा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इधर होटल है और हमने ऊपर जाना है। ऊपर है चेयर लिफ्ट, केबल कार भी कहते हैं इसको इधर, वैसे रशियन में तो इसको कनातना या दारोगा कहते हैं। तो अब हमें चेयर लिफ्ट पर बैठ के आई थिंक पहाड़ के एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाना है। चेयर लिफ्ट का भी इसी हमारे टूर पैकेज में ऐड है, वो कंपनी की तरफ से। ये हमारा सारा ग्रुप है और आप नज़ारा चेक करें इधर, ऐसे ही पहाड़ चेतनी और दागिस्तान में है, क्योंकि ये इलाका भी उसके करीब पड़ता है। ये चेयर लिफ्ट है, आप देखें, मैं जूम करके दिखाता हूँ। और यहाँ से इसकी टिकट्स मिल रही हैं, ये मेरे साथ के तीनों अरेबिक हैं। और मैं ऊपर आया हूँ ना, काफ़ी धूप है लेकिन इतनी गर्मी तपश वाली नहीं है, लेकिन जब आप ऊपर देखेंगे ना, वो माउंटेन्स के ऊपर देखें, वहाँ अभी धुंध सी है, मतलब ऊपर काफ़ी अच्छा मौसम होगा। अब हमारी वो जो गाइड है टिकट्स ले रही है, अब जाएंगे हम ऊपर। हमने इस साइड वैली में जाना है, ये ज़्यादा दूर तक जाती है, वो ऊपर तक ना, काफ़ी दूर तक, और ऊपर हमारा एक घंटा स्पेंड करना है, उसके बाद फिर वापस। ये आ गई है हमारे वाली, इसमें हम चारों जाएंगे, मैं और तीन मेरे साथ जो अरेबिक है। कम 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 ओके ये इस तरफ का सीन है, इस तरफ से हम आए हैं और ये तकरीबन 900 मीटर पे हम पहले थे, अब ऊपर जा रहे हैं इस तरफ। ओ आगे पता नहीं जाके कितना मीटर हो जाएगा, लेकिन जिस जगह से हम चढ़े हैं ना वो 900 मीटर थे। बच्चा खुश हो रहा है, हमें हाथ हिला रहा है। यहाँ हम उतरे हैं आके ना, एक यहाँ स्टेशन है, उससे आगे फिर ऊपर जाना है, तो दूसरी पे बैठना है हमने, वो ऊपर तक। ये इस स्टेशन पे तक आए हैं, वो नीचे से ना, यहाँ कुछ आबादी वगैरह है। ये ब्यूटी देखें आप, माशाल्लाह। और इस साइड पे, और इस साइड पे, जिस साइड पे हम ऊपर जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। ठंड भी है नीचे, हालांकि धूप थी। वो जहाँ आबादी है वहाँ पहला स्टेशन आता है, वहाँ से फिर ऊपर मूव करके फिर ऊपर जाते हैं। आई थिंक ये ऐसे ही घूम के फिर हमें नीचे ले जाएगी। यहाँ जो उतरे हम, ये सबसे ऊपर वाला स्टॉप है। अच्छा, वो कैफ़े है इधर, चैलट कैफ़े एंड वाइन। यहाँ की वाइन बड़ी मशहूर है। अजरबैजान इस्लामिक कंट्री नहीं है, मुस्लिम हैं यहाँ, शिया मुस्लिम सेक्ट के लोग हैं, लेकिन यहाँ ये इलाका अंगूर की काश्त और यहाँ वाइन की पैदावार के लिए बड़ा मशहूर है। यहाँ वाइन बहुत बनती है, अंगूर की वाइन, और जो उसकी खेती भी यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट भी की जाती है। और सुना है कि बहुत फेमस है यहाँ की जो वाइन है। फुल ठंड माहौल है ऊपर आके ना, और सारे जो आते हैं ऊपर आके यहाँ स्टे करते हैं। ये आप कह लेंगे लास्ट जो स्टॉप है, और उसके बाद फिर वापसी होती है यहाँ से। वो उस साइड पे कुछ आबादी है नीचे पहाड़ों के ऊपर, देखे जूम करके दिखाता हूँ, धुंध छाई हुई है। ये आखिरी स्टॉप होता है, यहाँ घूमते फिरते हैं लोग आके, काफ़ी टूरिस्ट है, इंडियन टूरिस्ट भी काफ़ी आए हुए हैं। अजरबैजान में इंडियन टूरिस्ट काफ़ी आता है। और अब हम नीचे जाने लगे हैं वापस, एक घंटे का टाइम था हमारे पास, काफी टाइम स्पेंड कर लिया। नीचे जा रहे हैं और यार बहुत, एक तो स्पीड कुछ ज्यादा है जाने की, और भाई साहब डर रहे हैं। कैसा अहले
stand up, stand up. Really, stand up. Stand up, stand up. Stand up. Stand up. ये भाई डर रहा है, वो डर रहा है. करीबन शाम के 5 बज गए हैं और हम वापसी की तरफ जा रहे हैं. वापसी तो नहीं, हमारा एक लास्ट पॉइंट रह गया जहाँ एक झील है और आबशार है, उसकी तरफ जाना है और उसके बाद वापस. यहाँ पे सारे इकट्ठे हो रहे हैं और बस वो अरबी भाई नमाज पढ़ने गए हैं, उनका इंतज़ार है. नमाज पढ़ के हम वापस चलते हैं. रास्ते में एक झील देखनी है. ये देखो पहाड़ों से पानी आ रहा है. हमारा नेक्स्ट स्टॉप हुआ है एक झील पे, नोहर झील के नाम से इसका नाम है, लेकिन इसको फेक लेक भी कहते हैं क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं है, ये बनाई गई है, हैंडमेड है. तो इस पे हमारा 15-20 मिनट का स्टॉप है बस. यहाँ पे तस्वीरें वगैरह बनानी है, घूमने हैं. हमारी टूर गाइड ने बताया कि जस्ट 15 मिनट का आपका यहाँ स्टे है, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, हमने कुछ जगह पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया. तो यहाँ 15 मिनट गुजार के फिर आगे कोई चश्मा है उसकी तरफ जाना है और उसके बाद वापसी होगी. यहाँ लोग काफ़ी हैं, ये पहला स्पॉट मुझे नज़र आया जहाँ बहुत ज़्यादा रश है लोगों का. और सबसे बेहतर बात, वो सामने देख रहे हैं झंडा पाकिस्तान का भी लगा हुआ है. ब्यूटीफुल यार, यहाँ शॉप्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें वगैरह खरीद सकते हैं. और आगे जाके झील दिखाता हूँ, कितनी पुरसकून जगह है यार. और लोग भी कम हैं, साफ सुथरा है, छोटे छोटे शॉप्स हैं और बहुत ज़्यादा मैनेज की हुई हैं और ऑर्गेनिक चीज़ें हैं इनके पास. यहाँ से वैसे आप कश्ती लेके बोटिंग कर सकते हैं, खुद ही चलानी है आपने. सो हम अपनी लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ आए हैं. यहाँ एक बाजार है और ऊपर की तरफ चश्मे हैं, 7 चश्मे हैं इधर. ये हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है. इन चश्मों के बारे में यहाँ हमारी गाइड ने बताया कि स्टोरी एक मशहूर है, लोग बिलीव तो नहीं करते लेकिन मशहूर है कि 7 चश्मे हैं. यहाँ एक बादशाह होता था पुराने दौर में, तो जंग के दौरान फिर वो मर गया था, उसकी 7 बीवियाँ थी, वो इतना रोई थी कि चश्मे निकल आए थे. इस तरह की एक घड़ी हुई कहानी है. तो ऊपर की तरफ जाते हैं ये चश्मे देख के, शाम हो गई है, फिर हमने वापस निकलना है. बाकू का वापसी का हमारा तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का सफ़र है. यहाँ आके मुझे अपने चेचने या दागिस्तान टूर की याद आ जाती है. वहाँ भी जब पहाड़ों में हम जाते थे ना, तकरीबन ऐसे ही वहाँ भी एनवायरनमेंट होता था ऐसा ही, तो मुझे कुछ कुछ वो याद आ रहा है. मैं सबसे ऊपर वाली जगह पे आ गया हूँ. ऐसे चश्मे जगह जगह पे ना गिर रहे हैं. जो मैं ही हमारे ग्रुप में से सिर्फ मैं ऊपर आया हूँ, बाकी जो हैं वो तकरीबन नीचे ही रुक गए हैं. ये था आज का व्लॉग और शायद अज़रबैजान टूर का लास्ट व्लॉग. कल शाम को मेरी फ्लाइट है वापस पाकिस्तान के लिए. अगर कल सुबह कहीं ना निकला तो ये आखिरी व्लॉग होगा. इंशाल्लाह फिर कभी किसी और जगह पे मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.